News 18, India. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। लोकसभा में श्वेत पत्र लाई है केंद्र सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पेश किया है श्वेत पत्र। यूपीए सरकार की आर्थिक अनियमितता पर श्वेत पत्र। कल श्वेत पत्र पर लोकसभा में चर्चा होगी। तो इस वक्त केंद्र सरकार लोकसभा में श्वेत पत्र लाई है। दरअसल श्वेत पत्र के जरिए जो मोदी सरकार में कामकाज हुए हैं उसकी तुलना यूपीए के कार्यकाल से हुई है और यूपीए कार्यकाल में नाकामियां रही है, क्योंकि हमने देखा कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट पेश किया 1 फरवरी को, तो ऐलान किया था कि वो श्वेत पत्र लेकर के आएगी। और निर्मला सीतारामन ने यह भी कहा था कि जब मोदी सरकार सत्ता में आई उस वक्त देश में आर्थिक संकट था, लेकिन इन्होंने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी वजह से आज हमारी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बढ़ने की ओर हम तेजी से काम कर रहे हैं। Thank you. Sir, I rise to lay a white paper on the Indian economy, both in Hindi and English versions. Thank you. Amit Pandey, News 18 India, संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, श्वेत पत्र केंद्र सरकार लेकर के आई है, कल चर्चा होनी है। इसके जरिए जो सकारात्मक कदम मोदी सरकार ने उठाए हैं इस पर चर्चा होगी। देखिए, 59 पन्नों का यह श्वेत पत्र है जो सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुल 20 सालों की यात्रा का जिक्र है और ये दावा किया गया है इस श्वेत पत्र के जरिए कि 2004 में यूपीए सरकार ने एक हेल्दी इकोनॉमी को इनहेरिट किया था, मतलब उस वक्त बेहतर अर्थव्यवस्था थी और 10 साल के शासनकाल के दौरान बेहद वो खराब जो है होती चली गई। यूपीए सरकार के विभिन्न भ्रष्टाचारी घोटालों का उल्लेख किया है इस व्हाइट पेपर ने और कहा गया कि किस तरीके से इस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की गई। और इसमें कहा गया कि बेहद आर्थिक स्थिति पर चर्चा की गई है, जहां दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति और उछाल के दौर के दौरान लापरवाही के साथ अत्यधिक ऋण देने के बाद जो भारत की जो आर्थिक हालत है वह वैश्विक स्तर पर खराब हुई और उसी को सुधारने का मोदी सरकार ने काम किया। मोदी सरकार ने प्रमुखता से नीतियां लाई जिस वजह से आर्थिक स्थिति सुधरी है। तो अब इस पर कल चर्चा का समय निर्धारित किया गया है। तो अमित, हमारे सहयोगी जानकारी देते हुए, कल श्वेत पत्र पर चर्चा होगी। इसके जरिए मोदी सरकार ये बताने की कोशिश करेगी कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी की जाति पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने मोदी को सामान्य वर्ग का बताया। उन्होंने कहा कि अगर कोई बीजेपी के कार्यकर्ता आपके पास आए और उनसे पूछना कि जो आपके पीएम हैं उन्होंने पूरे देश को झूठ बोला कि ये पिछड़े वर्ग के हैं। तो अब राहुल गांधी ने टिप्पणी की है पीएम मोदी पर, पीएम मोदी से सवाल किए हैं ओबीसी के मुद्दे पर।